हमारे जितने भी डीजल इंजन हैं, ये रेलवे की मेक इन इंडिया में पहल है कि डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है और 2017-18 में हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन टेरिटरी है 4000 से ज़्यादा किलोमीटर हमने इलेक्ट्रिफिक किया है। 2018-19 में जो रेलवे का टारगेट है करीब 6000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होगी। ये इंजन पहले डीजल इंजन हुआ करता था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक इंजन हो गया है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, इसका कन्वर्जन हुआ है। पहले 2600 हार्ट पावर का ये इंजन था, लेकिन अब ये 5000 हार्ट पावर का हो गया। दो इंजन मिलाकर 10000 हार्ट पावर का अब ये इंजन हो गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरी कवायद में हम कह सकते हैं कि बनारस का DLW जहाँ पर ये काम किया गया है काफ़ी सफल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसानी से चल रहा है, ये बड़ी सुगमता के साथ वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं। जब डीजल इंजन को रिहैब किया जाता है, रिहैबिलेशन के लिए जाता है 18 साल के बाद, तो उसमें तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, ऐसा कहना है रेलवे का। लेकिन इस कन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा आने की बात कही जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रिहैब में अगर जाता है उस समय अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 3 करोड़ रुपए के आसपास की बचत होती है। तो कुल मिलाकर तकरीबन 1100 डीजल इंजन इस तरीके के जो 2600 हार्ट पावर के हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा, उनका कन्वर्जन होगा और कन्वर्जन के बाद वो डीजल इंजन बना दिए जाएंगे। ये काम चल रहा है क्योंकि विद्युतीकरण का काम होना है। पूरा इंडियन रेलवे ट्रैक या इंडियन रेलवे का जो पूरा ट्रैक है उसका विद्युतीकरण होना है, उसी सिलसिले में ये काम किया जा रहा है। और इस इंजन की अगर हम बात करें तो खास बात यह है कि ये 10000 हार्ट पावर का इंजन हो चुका है दो को मिलाकर, और ये गुड्स ट्रेन को खींचेगा। अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि नीचे जो इंजन है उसको रिमूव करके ट्रांसफार्मर इसमें फिट किया है और ऊपर पेंटो लगा हुआ है और ड्राइंग मैग्नेटाइजेशन करंट, और उसमें फिर ये इसकी जो पहले जो लिमिटेशन थी इसकी 2600 हार्स पावर इसकी हार्स पावर थी, और इसको कन्वर्ट होने के बाद ये 5000 हार्स पावर का इंजन हो गया है। और ये जो है इसमें दो इंजन को कपल किया गया है तो टोटल हार्स पावर इसकी 10000 है। इसमें जो मिड लाइफ जो इसका रिहैबिलिटेशन है उसमें डीजल इंजन जब जाता है तो उसकी टोटल कॉस्ट 5 से 6 करोड़ होती है। और आप देखिए कि बड़ी खुशी की बात है कि ये जो इसका रिहैबिलिटेशन हुआ, जो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया अभी, इसकी टोटल कॉस्ट 2.5 से 3 करोड़ आई है। तो और ये अब अपनी 36 ईयर कोडल लाइफ, ये जो मिड लाइफ रिहैबिलिटेशन 18 साल के बाद होता है, तो अब ये 18 साल और चलेगा और ज़्यादा हार्स पावर के साथ चलेगा, और उसमें पर इंजन इसकी 2.5 करोड़ की सेविंग है। इसमें ये 70 डेज में ये बन के तैयार है। लॉन्ग हॉल ट्रेन इसमें चला सकते हैं, गाड़ी ज़्यादा गति से चल सकती है, और ये इसके फायदे हैं। इसमें ये तो पहली बार हुआ है, अब इसमें और भी ज़्यादा करा जाएगा, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी कि कितना जितने लोकोज हैं हमारे डीजल लोकोमोटिव हैं उसको रिहैबिलिटेशन लिए कब कब जा रहे हैं, कितनों को हमने कन्वर्ट करना है, इसका देखा जाएगा। स्पीड में देखिए, स्पीड में फ़र्क ये नहीं है, हमारी मालगाड़ियाँ वैसे भी जो है एवरेज स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है,
बट एक्सेलरेशन जब होती है गाड़ी की तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें जब एक्सेलरेशन फास्ट होती है तो जो लाइन कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ज़्यादा गाड़ियाँ आप चला सकते हैं उसमें।